वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इनडाइजेशन की। इसी को डिस्पेप्सिया बोलते हैं हिंदी में, बात करें इसको अपचन या बदहजमी बोलते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। इसका क्या मतलब है कि पेट के अंदर खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, डकार आ रही है, उल्टी का सेंसेशन लग रहा है, उबकाई जैसा लग रहा है, पेट भारी भारी से लग रहा है, हल्का दर्द और मरोड़ वगैरह भी आ सकती है। तो एक तरह का इनडाइजेशन का लक्षण है। यूजली खाना खाने के बाद लोगों में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इनडाइजेशन एक तरह का ये लक्षण है, कोई बीमारी नहीं है। बहुत सारी बीमारियों में हो सकता है। तो उसकी हम बीमारी के अलग अलग कारण को समझेंगे, कैसे इसकी जांच होती है, क्या सही इलाज है और कैसे बचा जाए, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो डिस्पेप्सिया, इनडाइजेशन, बदहजमी, अपचन का क्या कारण है, इलाज है, ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपचन का, उसके लक्षण होते हैं। तो पेट का भारी भारी सा लगना, भरा हुआ लगना, ज़्यादा गैस बनना, डकार लगना, थोड़ी बहुत जलन हो सकती है पेट के अंदर, उल्टी का सेंसेशन आ सकता है। तो इस तरह के लक्षण यूजली इनडाइजेशन में आते हैं। डकार का आना, नीचे से भी गैस पास हो जाना, इसके अलावा सीने में जलन हो जाना, एसिडिटी की दिक्कत हो जाना, और ये सारी दिक्कत यूजली खाना खाने के बाद या 2-3 घंटे बाद ज़्यादा होती है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी में बढ़ जाती है। तो इसको इनडाइजेशन बोलते हैं। अब इसके कारण की बात करें तो इस पेट के अंदर के भी कारण हो सकते हैं और पेट के बाहर के आसपास के भी। बेसिकली ऐसी आर्गन जो खाने के डाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं, वहाँ पे अगर दिक्कत होती है तो इनडाइजेशन की समस्या हो जाती है। तो इनडाइजेशन की समस्या को हम ऐसे समझते हैं कि क्या वो शरीर में कोई बीमारी है, या तो दवाई के कारण हो रही है, या तो खाने में सही नहीं है, या तो आपकी दिनचर्या जीवन शैली सही नहीं है। तो 3 हिस्सों में हम इनडाइजेशन के कारण को बांटेंगे। तो पहला जो बीमारी है, जो पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है, एक तो पेट के अंदर अल्सर हो जाए या गैस्ट्राइटिस हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो वहाँ से इनडाइजेशन हो सकता है। कोई रिफ्लेक्स की बीमारी है, रिफ्लेक्स मतलब पेट का खाना आहार नली में आ रहा है, वहाँ से इनडाइजेशन हो सकता है। एच पायलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, ज़्यादा एसिड का सिक्रीशन हो रहा है, तो ये इनडाइजेशन के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा जो पैंक्रियाज है, उसमें अगर पैंक्रियाटाइटिस हो रही है, कोई सिस्ट बन रही है, पैंक्रियाज की बीमारी में भी एंजाइम नहीं निकलेंगे जो प्रोटीन डाइजेशन या फैट डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, तो उससे भी अपचन की समस्या हो सकती है। गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन का हो जाना या गाल ब्लैडर के अंदर सूजन होना, और जो रास्ता है लीवर में भी कोई दिक्कत हो, तो इनडाइजेशन यहाँ की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, पैंक्रियाज की प्रॉब्लम है और पेट की प्रॉब्लम है। ये तो हो गई कुछ बीमारियां जिससे इनडाइजेशन होते हैं। कुछ अगर मैं दवाइयों की बात करूं जो आमतौर पे अपचन कराती हैं, पेट में हैवीनेस, भारीपन, एसिडिटी कराती हैं, तो ज़्यादातर वो दर्द की दवाइयां हैं, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनिक, या तो ओरल कंट्रासेप्टिव्स हैं। बहुत सारी महिलाओं में हार्मोन की दवाइयाँ दी जाती हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उससे भी होता है। बीपी की दवाई है, थायराइड की दवाई है, शुगर की दवाई, इससे भी हो सकता है। अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो भी एसिड के नियंत्रण को गड़बड़ करती हैं। जो कैंसर की खाने की दवाइयाँ, उससे भी एसिडिटी अनियंत्रित होती हैं। तो इस तरह से दवाइयों से भी काफ़ी लोगों को अपचन की समस्या रहती है। तो अगर दवाइयों के कारण हो रही तो उसको पहचानना और उसको बंद करना एक इलाज हो सकता है। और तीसरा, हमारे खान पान में बदलाव, जीवन शैली में बदलाव, उससे भी इनडाइजेशन होता है। तो खान पान में एक तो जल्दी जल्दी खाना एक इनडाइजेशन का कारण हो सकता है। एक बार में ज़्यादा खा लेना, खाना खाने के बाद तुरंत सोना, चबा चबा के नहीं खाना, उससे इनडाइजेशन की समस्या हो सकती है। खाने में ज़्यादा फैट होना, फैटी फूड खाना, नॉन वेज ज़्यादा खाना है, ज़्यादा तला हुआ खाना है, तेल मसाला ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें भी इनडाइजेशन कराती हैं। अच्छी नींद ना लेना, रात को पूरे 8 से 10 घंटे ना सोना, मानसिक तनाव हो चाहे शारीरिक तनाव हो, किसी तरह का स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, ये सारे दिनचर्या में आते हैं। व्यायाम नहीं करना, कसरत, टहलना, मोटापा है, राइट, मोटापे में इनडाइजेशन, अपचन की समस्या ज़्यादा होती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी इनडाइजेशन की समस्या है। एक तो बेबी जो पल रहा है उसका प्रेशर, और दूसरा जो हार्मोनल बदलाव है उससे भी जो रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, ज़्यादा एसिड की प्रॉब्लम है, राइट। कुछ बीमारियाँ हैं जो स्टमक की मोटिलिटी को कम कर देती हैं, जैसे डायबिटीज वगैरह है। तो ये मोटे तौर पे कुछ खान पान में भी बदलाव है, इससे भी इनडाइजेशन होता है। मैक्सिमम लोगों को उनके खान पान के तरीके में, जैसे कि अल्कोहल है, शराब का पीना, या कार्बोनेटेड बेवरेज है, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी कोला, सोडा, इससे, या तंबाकू के प्रोडक्ट हैं, स्मोकिंग, इस सबसे भी इनडाइजेशन होता है।
तो मैक्सिमम लोगों को तो ये खान पान में जो बदलाव है वो करके ही ठीक हो सकते हैं, राइट। बहुत सारे, अगर कोई ऑर्गेनिक लेजन मिलता है उसका इलाज फिर उस तरीके से होगा। और ये तो हो गए पूरे अलग अलग कारण इनडाइजेशन के। जैसा कि हमने समझ लिया कि पेट और उसके आसपास कुछ बीमारियां हो गई, तीसरे दूसरा दवाई हो गई, और तीसरा तीसरा हो गया खान पान में बदलाव, उनके लाइफ स्टाइल में लोगों को उससे इनडाइजेशन होता है, ये तीसरा कारण ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों में हम लोग बोलते हैं कि कोई नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया हो रही है, फंक्शनल डिस्पेप्सिया हो रही है, कोई कारण नहीं मिल रहा है फिर भी उनको इनडाइजेशन हो रहा है। खट्टी डकार का आना, पेट में जलन होना, पेट में भारीपन महसूस होना, गैस, इन सब की समस्या, उनका इलाज करना थोड़ा सा फिर कठिन हो जाता है। तो हमने देख लिया कारण और लक्षण, अब आ जाते हैं कि फिर इसको कैसे इवेल्युएट करें कि क्या कारण है वो पहचानना है। तो उसके लिए कुछ जांचें करानी, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जांच है, एक तो एंडोस्कोपी की जांच है कि पेट के अंदर कैमरा डाल के पेट के अंदर छोटी आंत में और ईसोफेगस में कोई अल्सर स्ट्रक्चर, कोई ग्रोथ, ये सब देख लिया जाता है। इसके अलावा सोनोग्राफी कराई जा सकती है, अगर हैवीनेस बनी हुई है कहीं, कोई गॉल ब्लैडर में, पैंक्रियाज में कोई दिक्कत है, ज़्यादा दर्द है, तो सीटी स्कैन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये जाँचें होंगी, कुछ खून की जाँच में थायराइड की जाँच करा सकते हैं, हीमोग्लोबिन कितना है, विटामिन B12 वगैरह। तो ये हो गई जाँचें जिससे ये पता चल जाएगा कि बीमारी किस टाइप की है, राइट। अब इलाज से पहले कुछ लोगों को मैं वार्निंग साइन एक बता देता हूँ। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं इनडाइजेशन के साथ, डिस्पेप्सिया के साथ, या कुछ वार्निंग साइन है, मतलब जो इस तरह के लक्षण आते हैं तो उनको फिर तो 100% डॉक्टर के पास जाना है, सोनोग्राफी या एंडोस्कोपी करवाना है, क्योंकि वो खतरनाक संकेत है कि कोई गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकता है। अपचन होना, इनडाइजेशन, बदहजमी होना, कई बार गंभीर बीमारियों की भी निशानी हो सकती है। अमूमन नहीं होती है, पर अगर लंबे समय से आ रही तो क्या है संकेत, सबसे बड़ा संकेत यह है कि उम्र ज़्यादा हो, 55 साल से ज़्यादा, वजन कम होता जा रहा है बिना किसी कारण से, गैस डकार की समस्या कंटिन्यूअस है, दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, दर्द बना रहता है, उल्टी लगातार कंटिन्यूअस बनी हुई है, खून की कमी होती जा रही है बिना किसी वजह से, कमजोरी लग रही है, राइट, खाना खाने का मन कम कर रहा है, राइट। तो ये सब कुछ खतरनाक लक्षण हो गए। इसके अलावा खून की उल्टी हो जाए या स्टूल के रास्ते में से खून आ जाए, तो ये गंभीर बीमारी होने के संकेत होते हैं। तो इसको समझना है कि अगर किसी को गैस की, एसिडिटी, डकार के साथ इस तरह की दिक्कत होने लगी, स्पेशली ज़्यादा उम्र के लोगों में, तो उनको तुरंत डॉक्टर के पास जाके एंडोस्कोपी की जाँच करानी है कि कुछ अंदर गंभीर प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। सो अब इलाज की बात करते हैं। इलाज में जैसे कारण थे वैसे ही इलाज है। सबसे पहला खाने पीने में बदलाव, दिनचर्या सुधारना है पहला, सबसे इम्पोर्टेंट ये, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में इसी से इनडाइजेशन में आराम मिलता है। दूसरा, कारण को आइडेंटिफाई करना है कि कोई स्टोन तो नहीं है गॉल ब्लैडर में, स्टमक के अंदर कोई अल्सर, गैस्ट्राइटिस, रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम नहीं है, और पैंक्रियाज में दिक्कत नहीं है। तीसरा इलाज है, अगर कोई दवाई चल रही तो उस दवाई को बंद करना, उसकी जगह दूसरी दवाई चालू करना, राइट। सो पहला इलाज आ जाते हैं दिनचर्या, अपनी लाइफ स्टाइल, खाने पीने में बदलाव क्या करना है, ऐसी चीज़ें जिसमें ज़्यादा तेल मसाला है, तना भुना है उसको नहीं लेना है, फ्राई वाली चीज़ें कम करनी है, नॉन वेज को कम करना है क्योंकि उसमें ज़्यादा फैट होता है, सेचुरेटेड फैट, तो उसको कम करना, उसके जगह हेल्दी सब्स्टिट्यूट लाना है, मतलब कि वेजिटेबल हैं, जो फ्रूट्स हैं उसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं, जो दालें हैं अलग अलग तरह के, जो अनाज है उसको खाना है, खाना कम कम खाना है, मतलब एक बार में कम खाना है, ज़्यादा बार खाना है, बहुत देर तक फास्टिंग नहीं करना, ज़्यादा फास्टिंग रहने से भी एसिडिटी होती है, खूब चबा चबा के खाना है, खाना खाते समय ज़्यादा बात नहीं करना है, खाना खाते समय पानी नहीं पीना है, पानी कम से कम आधे घंटे के बाद पिए, खाना खाने के बाद 2-3 घंटे बाद सोने जाना है, तुरंत नहीं सोना है, सोते समय जो हेड एंड है उसको थोड़ा सा एलिवेट रखना है ताकि रिफ्लेक्स नहीं हो, जो कार्बोनेटेड बेवरेज है जैसे कि सोडा, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, इसको कम करना है, अवॉइड करना है, एल्कोहल से को दूर करना है, एल्कोहल नहीं लेना है या कम लेना है, स्मोकिंग इसको बंद करना है, वजन को अपने कम करना है, इसके अलावा कपड़े हैं ढीले पहनना है, तनाव है, स्ट्रेस, एंजाइटी किसी टाइप का है, इसके लिए योगा, मेडिटेशन या दूसरी चीज़ें जिससे भी ये तनाव कम हो जाए उस चीज़ को करना है। इसके अलावा चाय काफ़ी कम पीनी है, और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये ज़्यादा लेने हैं, घर के बनी चीज़ें ज़्यादा खानी है, बाहर की चीज़ें कम खानी, इससे इनडाइजेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो पहला तो ये हमने देख लिया इलाज के नाम पे कि आपको दिनचर्या सुधारना, उसी से ही काफ़ी सारे लोगों को आराम मिल जाएगा, कम कम खाने से, सब्जियां, फ्रूट्स ज़्यादा खाने से,
और चबा चबा के खाने से बहुत सारे लोगों को आराम मिलता है। अब दूसरा इलाज है कि कोई अगर बीमारी आती है, कोई अल्सर, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, उसके लिए एसिड कम करने की दवाई आती है, पेंटाप्रोजाल, रिप्रोजाल वो आती है, तो एंटेसिड सिरप आते हैं पीने के लिए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसको ले सकते हैं। स्टोन अगर गॉल ब्लैडर में है तो उसका इलाज होगा, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन है कोलेसिस्टाइटिस से उसका इलाज होगा, पेंक्रियाज में दिक्कत है तो उसके लिए सप्लीमेंट आते हैं, पेंक्रियाटिक एंजाइम्स आते हैं वो लिए जा सकते हैं। तो ये बीमारियों का इलाज हो गया। और अगर कोई दवा चल रही है, दर्द की दवा है या बीपी शुगर या एंटीबायोटिक्स चल रही, उससे इंडाइजेशन की समस्या है, तो उस दवाई के डोज को कम कर सकते हैं, दवाई बंद कर सकते हैं अगर बीमारी ठीक हो गई है, या तो दवा को चेंज कर सकते हैं। तो ये तीसरा इलाज हो गया। प्रिवेंशन के लिए जैसा कि मैंने बताया, जीवन शैली में बदलाव करना ही प्रिवेंशन है। कोई अगर इनडाइजेशन से बहुत पीड़ित है तो उसके लिए प्रिवेंशन का मेरा जो सलाह रहेगी, एक तो एक्सरसाइज, सुबह शाम कम से कम घूमना, टहलना, जिम जाना, कोई खेल कूद में इन्वॉल्व होना, सब्जियाँ, फ्रूट्स और अनाज, घर का बना हुआ जो भी रोटी सब्जी लेते हैं वो सब लेने से काफ़ी आराम मिलता है। थोड़ा थोड़ा खाएं, दिन में 3-4 बार खाएं, चबा के खाएं, राइट, इससे काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। इसके अलावा कुछ प्रोबायोटिक्स जैसे कि दही है उसको ले सकते हैं, उसमें भी डाइजेशन अच्छा रहता है। सो आई होप कि आपको अपचन इनडाइजेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। स्टिल कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट्स में डालें।